आदरणीय श्रोता नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और ये समय है प्राइम टाइम नोबेल का, यानी कि रात्रि कालीन प्रस्तुति। और इस प्रस्तुति में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ साइको थ्रिलर, सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री कहानियाँ। इन कहानी में से कई किस्से आपने अक्सर सुने होंगे, या हो सकता है ऐसे कई हादसे शायद आपने आसपास देखे हों। लेकिन हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि इन हादसों की शुरुआत कब और कहाँ से शुरू होती है, इसके असली गुनहगार कौन है, जो गुनाह कर रहा है वो, या हमारी पुलिस, हमारी सरकार जो इस गुनाह को रोकने और गुनहगार को सज़ा दिलाने में अक्सर नाकाम रहती है। अगर आप सच को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि गुनहगार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन इसे समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान जुर्म करने से पहले अपने दिमाग में इस तरह के जुर्म के बारे में सोचने लगता है। ये अक्सर हमारे आसपास ही होता है। हमारा कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, पड़ोसी या बेशक कोई अजनबी, कहीं ना कहीं इंसान को ये ज़रूर पता होता है कि सामने वाला कुछ गलत सोच रहा है या कुछ गलत करने वाला है। लेकिन हर इंसान अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में इस तरह उलझा हुआ है कि उसके पास दूसरों की ज़िंदगी में चल रही प्रॉब्लम के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है, या फिर यूँ कहें कि वक्त देना ही नहीं चाहता। हम छोटी छोटी चीज़ों को अक्सर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसका अंजाम इस तरह हो सकता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करना चाहते। इन कहानियों में जो मासूम गुनहगार बने हैं, अगर सही वक्त पर उनके परिवार वालों ने या फिर किसी बड़े बुजुर्ग ने अपने निजी जीवन से कुछ वक्त निकालकर उन्हें सही गलत का फर्क बताया होता तो शायद कई जिंदगियां, कई घर बिखरने से बच जाते। ये पाँचों सच्ची घटना बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपके आसपास जो जुर्म पनप रहा है या किसी के दिमाग में जुर्म पैदा होने वाला है उससे पहले आपको एक्शन लेना होगा, वरना अंजाम के भागीदार आप भी हैं। मनोविज्ञान और साइकोलॉजी पे आधारित बहुत ही जबरदस्त सच्ची घटनाओं पे आधारित 5 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री कहानियाँ आज से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इसी समय पर, यानी कि प्राइम टाइम नोबेल में हर एक रात 9 बजे एक एक कहानी, यानी कि टोटल 5 एपिसोड में आप लोग इन 5 कहानियों को सुन सकेंगे। मैं दावा करता हूँ कि आज से पहले आप लोग ऐसी कहानियाँ कहीं भी नहीं सुने होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विथ अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री साइको थ्रिलर कहानियाँ। सुनिए इसी स्टोरी सीरीज की पहली कहानी आरजे अरुण के साथ। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कहानी सिर्फ भारत देश की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी है। आप सोचिए, अगर एक बच्चा सीरियल किलर बन जाए तो क्या सोचता होगा, उसके दिमाग में क्या चलता होगा, खून देकर उसे कैसा लगता होगा। सबसे बड़ी बात, उसके माँ बाप, उसके जानने वालों को पता चले तो उसको लेकर क्या सोचते होंगे। ये सोचते होंगे कि बच्चा है, चलो माफ़ कर दे। क्या उन्हें डर नहीं लगता होगा? बेशक ये खुद उनका बच्चा है लेकिन इसे खून करने की आदत लग चुकी है तो कल को उनको भी खतरा हो सकता है, उनके जान की भी खतरा हो सकता है। और उस बच्चे के दिमाग में क्या चलता होगा, क्या उसे इतनी अक्ल होगी, इतनी समझ होगी वो सही और बुरे का फैसला कर सके और उसे पता चल सके ये जो वो कर रहा है ये क्या है, क-
कत्ल के लिए कौन सा कानून है, क्या सजा है, क्या पुलिस है, क्या अदालत है। ये कहानी ऐसे सीरियल किलर की है जिसे न शायद पुलिस के बारे में जानकारी थी, न अदालत के बारे में, न आईपीसी सेक्शन 23 के बारे में, न इस बारे में कि सामने वाले को जो मार रहा है तो उसकी जान जा रही है और जान लेना जुर्म है, उसे कुछ भी पता नहीं। और सबसे खतरनाक बात ये कि सीरियल किलर के हाथ जो पहले दो कत्ल हुए थे, उस दो कत्ल के कुछ राजदार थे, उन्हें पता चल गया था ये कत्ल किसने किया है, लेकिन उन्होंने इस राज को राज ही रखा, कभी बाहर ही नहीं आने दिया। उनका मानना था कि फैमिली मैटर है, शायद ऐसा इससे पहले कहीं नहीं हुआ। एक बच्चा अगर चोरी करता, शरारत करता है, कुछ और गलत चीज़ें करता है, हम सभी ने बचपन में भी किया होगा, माँ बाप से पीटे भी, डांट भी खाई, और कई बार ऐसा भी होता है जब हम शरारत करते हैं तो माँ बाप नज़रअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन कोई बच्चा खून करके और उसके बाद माँ बाप उसे नज़रअंदाज करे, उस बात को छुपाने लगे, तो अपने आप में बड़ी हैरानी करने वाली बात है। ये कहानी भी कुछ इस तरह ही बयान करती है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, जहाँ एक परिवार रहता था। बेगूसराय के इलाके में एक गांव आता है मुसहरी, जहाँ का ये परिवार निवासी था। बाप दिहाड़ी मजदूर था, मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटी की उम्र अभी 6 महीने ही थी। बेटे का जन्म 1998 में हुआ था। बेटे का नाम रखा था अमरजीत सदा। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसकी उम्र करीब 8 साल की हो जाती है, उसके पड़ोस में उसका चाचा का लड़का रहता था जिसकी उम्र करीब 8 महीने थी। एक दिन अचानक उसकी लाश मिलती है, सर पर भारी वजनी चीज से मारा गया था, उसका कत्ल किया गया था। परिवार के लोग देखते हैं, बच्चा मर चुका था। इसी दौरान माँ बाप की नज़र पड़ती है और उनको किसी तरह पता चल जाता है जो अमरजीत था वो थोड़ी देर पहले इस बच्चे के साथ था। उसके हाथ में भी कुछ निशान थे जिससे लग रहा था शायद इसने कुछ किया है, तो शक हो चुका था जो बच्चे की मौत हुई है ये पिटाई से हुई है, सर पर पत्थर मारा गया है। लेकिन ये बात पुलिस तक नहीं जाती और इस बात को घर वाले खुद ही दबा देते हैं। बात बीत जाती है, अमरदीप जो करीब 8 साल का बच्चा है वो उसी घर में नॉर्मल उसी तरह से रहता है, जबकि माँ बाप और उस बच्चे जिसकी मौत हुई थी, जो अमरदीप के चाचा का बेटा था, अमरदीप की इस हरकत का उसके चाचा और बाकी परिवार के सदस्य को भी पता था कि इस बच्चे की मौत कत्ल की वजह से हुई है, इसे मारा गया है। लेकिन कोई कानून बीच में नहीं आता, कोई कंप्लेन नहीं करता, बात ये कहकर बीत जाती है कि ये पारिवारिक मामला है। करीब 6 महीने बीतते हैं, 6 महीने बाद खुद अमरदीप के घर में अमरदीप की अपनी बहन जिसकी उम्र करीब 6 महीने थी, अब उसकी लाश मिलती है। उसके भी सर पर चोट थी, जख्म थे, उसके सर को भी पत्थर से मारा गया था, कुचला गया था, और इस बार भी घर वालों को पता हो जाता है कि ये काम किसने किया है। अमरदीप के माँ बाप को मालूम था कि उनकी जो बेटी है, यानी अमरदीप की अपनी सगी बहन जिसकी उम्र सिर्फ 6 महीने है, उसको उसी के भाई ने मारा है, यानी अमरदीप ने। लेकिन इसको भी पारिवारिक मामला मानते हुए, फैमिली मैटर करार देते हुए कोई पुलिस के पास नहीं जाता। उन्हें लगता है एक तरफ बेटी मर गई और अगर अब बेटे का नाम पर कंप्लेन कर दी तो बेटा भी हाथ से चला जाएगा, और भी कई तरह की ऐसी ही सोच उनके दिमाग में चल रही थी जिसे समझ पाना मुश्किल है। लेकिन इस दूसरे कत्ल के राज को भी घर वाले छुपा लेते हैं। 6 महीने में एक
7.5 साल का बच्चा और 2 कत्ले कर चुका था और कानो कान किसी को कोई खबर नहीं लगती सिवाय माँ बाप और चाचा के। दोनों कत्ले घर की बात थी, एक बहन की और एक चाचा के बेटे की, इसलिए घर तक ही रह गई। थोड़ा वक्त और बीता है, करीब 3 महीने बाद इन्हीं के गांव में थोड़ी दूरी पर एक और बच्ची थी, करीब 1 साल की। उसका नाम खुशबू था। खुशबू अपने माँ के साथ अपने गांव के एक प्राइमरी स्कूल में अपनी माँ के साथ खुले मैदान में लेटी हुई थी। उसकी माँ उसके साथ थी। कुछ देर में माँ किसी काम से उसे अकेला छोड़कर अपने घर में चली जाती है। वो ये सोच कर जाती है कि 5 मिनट के बाद वो अपनी बेटी को वो वहाँ से आकर ले जाएंगी, क्योंकि वो सो रही थी। वो चली जाती है। उसके जाने के दौरान में वो देखती है कि अमरजीत उस वक्त स्कूल के पास ही है और वो देकर चली जाती है। गांव का बच्चा है, गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो कुछ ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद वो लौटती है तो घबरा जाती है कि उसकी बच्ची जिसे वहाँ पर सुला कर गई थी वो वहाँ पर नहीं थी, वो वहाँ से गायब थी। उसकी माँ उसे स्कूल के आसपास ढूंढने लगती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अमरदीप से पूछती है तो सिर्फ हंसता है और हंसता रहता है। एक अजीब सी चमक होती है उसकी आंखों में, कुछ बताता नहीं है। उसके बाद वो फिर से चारों तरफ ढूंढती है, उसे वो नहीं मिलती। वो घर जाती है और अपने पति को अपने सब रिश्तेदारों को बताती है। पूरे रिश्तेदार सब लोग मिलकर बच्चे को ढूंढ रहे हैं पर खुशबू का पता नहीं चलता। अब उस वक्त उस स्कूल के पास खुशबू की माँ ने जिस एक लोते शख्स को देखा था तो वो सिर्फ वहीं 7.5 साल का बच्चा अमरदीप था। खुशबू की माँ को बार बार ये ध्यान आ रहा था जब वो बच्चे को अकेले छोड़कर गई थी तो अमरदीप के सिवा वहाँ पर और कोई भी नहीं था। इसके अलावा उसे और कोई नज़र नहीं आया जब उसे चारों तरफ ढूंढ लिया और खुशबू नहीं मिली। तो खुशबू के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो वापस आते हैं। पुलिस को भी ये खबर थी कि घर और उस इलाके में इससे पहले 2 बच्चों का कत्ल हो चुका था लेकिन घर वालों ने कातिल के बारे में नहीं बताया था। लेकिन दोनों बच्चों की जिस तरह से मौत हुई मोहल्लों में सबको पता था कि उनके सर पर जख्म थे, चोट के निशान थे, पत्थर से मारा गया, लेकिन पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। ये पहली बार था और अब एक तीसरी बच्ची गायब हो चुकी थी। पुलिस वालों को भी ये उड़ते उड़ते कानों तक खबर थी कि यहाँ 2 बच्चों का कत्ल हो चुका है और लोग दहशत में हैं। अब तीसरी बच्ची गायब है, कहीं इसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए तो उससे और मामला बिगड़ जाएगा। अब पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई थोड़ी तेज कर दी, एक्टिव हो गई और खुशबू को ढूंढने में लग गई। पूरे जोरों शोर पर पुलिस उस बच्ची की खोज में लग चुकी थी। खुशबू की माँ ने बार बार पुलिस से कहा कि वहाँ पर अमरदीप के अलावा और कोई नहीं था जब उसकी बच्ची गायब हुई थी। मुझे शक है कि इस अमरदीप को जरूर पता होगा कि खुशबू कहाँ गई है। ये वहीं पर था। पुलिस वालों ने पहले हल्के में लिया कि 1.5 साल का बच्चा वो क्या बताएगा और क्या करेगा, लेकिन जब बार बार वो प्रेशर डालने लगी और कहीं से खुशबू मिल नहीं रही थी तब पुलिस ने तय किया कि इन्हें दिलासा देने के लिए अमरदीप से भी बुलाकर पूछताछ करते हैं। इसके बाद पहली बार अमरदीप के पास पुलिस जाती है, जाकर बैठकर उससे बात करना शुरू करती है। अमरदीप लगातार पुलिस वालों के साथ है और सिर्फ हंसता ही जा रहा है। शायद उसे मालूम नहीं था ये पुलिस क्या है, वो वर्दी खाकी कानून क्या होता है। पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब लगा, उससे पूछ रहे हैं
कि बेटा तुमने कुछ देखा क्यों, खुशबू कहाँ गई है? और वो सिर्फ हंस रहा है और कुछ बता नहीं रहा है। फिर अचानक उसने पुलिस वालों से कहा, मुझे बिस्कुट दो तो मैं बताऊंगा, फिर बोलूंगा, पहले बिस्कुट दो। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा था पुलिस के लिए कि ये एक अजीब इंट्रोगेशन था कि पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। एक तो बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं है, उसे ये पता नहीं है कि किस गंभीर विषय पर उसे बात कर रही है, और वो बच्चा सिर्फ मुस्कुरा रहा है। और मुस्कुराने के बाद अचानक बोलता है कि मुझे बिस्कुट खिलाओगे तो मैं बताऊंगा। पुलिस को भी लगा ये बस हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, बिस्कुट के लालच में हमसे बात कर रहा है। आखिर में पुलिस ने भी सोचा, चलो कोई नहीं, इसकी जिद पूरी कर देते हैं, शायद कुछ बता दे हमें, कोई क्लू दे दे, किसी तरह से कोई सुराग मिल जाए। पुलिस वाले ने गांव के एक शख्स को भेजा और कहा, एक पैकेट बिस्कुट ले आओ। बिस्कुट आया, पुलिस वाले ने उस बच्चे को वो बिस्कुट दिया, उसने बकायदा बिस्कुट का वो पैकेट खोला। बिस्कुट खिलाकर पुलिस वाले ने पूछा, बताओ बेटे तुमने उस बच्ची को देखा? फिर वो हंसा, फिर अचानक बिस्कुट खाने के बाद वो बोला, मैंने खपड़ेल से उसे मार के सुला दिया। ये शब्द उसके थे। अब पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने पूछा, कहाँ सुलाया बेटे? वो बोला, मैंने बस सुला दिया। पुलिस वालों ने कहा, अच्छा दिखाओगे नहीं? तब तक वो बात कर रहा था और बिस्कुट खा रहा था। पुलिस वालों को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात कर रहा है और वो क्या सुन रहे हैं। फिर दोबारा पुलिस वालों ने पूछा, सच बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? उसने फिर यही कहा, मैंने उसे खपड़ेल से मारा और फिर सुला दिया। अब पुलिस वालों ने फिर पूछा, अच्छा बताओ बेटे कहाँ सुलाया? अमरदीप ने कहा, पहले मुझे बिस्कुट खिलाओ, मुझे और बिस्कुट चाहिए। पुलिस वाले ने फिर बिस्कुट मंगवाए, उसको बिस्कुट दिया। बिस्कुट खाने के बाद वो बोला, चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने उसे कहाँ सुलाया है। अब पुलिस पीछे पीछे और वो नन्हा सा बच्चा आगे आगे उसी स्कूल के पास जहाँ आखिरी बार खुशबू की माँ उसे छोड़कर आई थी। वहाँ से थोड़ी दूर पर खेत है, उस खेत के पास कुछ झाड़ियाँ भी हैं। वो वहाँ तक गया और झाड़ी के पास जाकर रुक गया। उसने कहा, यहाँ सुलाया है। पुलिस वाले आगे बढ़े तो उन्होंने जो दृश्य देखा वो बड़ा ही भयानक था। उन्होंने देखा एक छोटा सा गड्ढा है और उस गड्ढे के ऊपर कुछ झाड़ियाँ और पत्ते रख दिए गए हैं। पुलिस ने उस गड्ढे से जैसे ही वो झाड़ हटाई, अंदर खुशबू की लाश पड़ी थी। अब 7.5 साल का बच्चा, उसे इतनी तो अक्ल है नहीं कि कैसे दफनाना है लाश को, लेकिन उसे इतना पता था कि इसे इस गड्ढे में डालकर कुछ झाड़ पत्ते लगा देंगे तो छुप जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे छुपन छुपाई खेलते हैं बच्चे। अब जैसे ही पुलिस ये सब देखती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन निकल जाती है कि एक बच्चा जो बोलता कम है सिर्फ हंस रहा है, बिस्कुट मांग रहा है, कहता है खपड़ेल से मारकर सुला दिया, फिर कहता है मैंने यहाँ सुलाया, मौकाए वारदात पर खुद ले जाता है और लाश की बरामदी कराता है। अब पुलिस वाले उस बच्चे का सिर्फ चेहरा देख रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या और कैसे रिएक्ट करे। ये क्लियर हो गया था कि खुशबू गायब थी और खुशबू की लाश इस बच्चे के बताने पर मिली, मतलब इस बच्चे की लाश से इस बच्चे का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। अब इसके बाद पुलिस उस बच्चे से थोड़ा सीरियस बात करती है, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये अभी बच्चा है,
तो उसे एक अपराधी की तरह भी पूछताछ नहीं कर सकते। पुलिस उसे कितना भी गुस्सा करे, डांटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। पूरे इंट्रोगेशन के दौरान उसके चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट रहती है। और बीच बीच में जब भी पुलिस कुछ और पूछती तो कहता, हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे को बिस्कुट खुलाओगे तो ही मैं बताऊंगा। तब पुलिस उसके लिए फिर बिस्कुट मंगाती है और वो पुलिस को बताना शुरू करता है। पुलिस वाले अब उसी की तरह उसकी भाषा और उसके लहजे में बात करने लगते हैं। उन्होंने पूछा, चलो तुमने इसको तो सुला दिया, और तुमने किस किस को ऐसे खपडेल मारकर सुलाया? तब उसने दो नाम लिए, एक अपनी बहन का और एक अपने चाचा के बेटे का। उसने कहा, हम उन दोनों को भी ऐसे ही मारकर सुलाए थे। अब उस दो कत्ल के बारे में जो गांव में बात हो रही थी, हाँ वो मौत नेचुरल नहीं थी। पुलिस अब दोनों परिवार को बुलाती है। अमरदीप के माँ बाप पहले ही पुलिस स्टेशन में थे, क्योंकि उनके बेटे से पूछताछ हो रही है, और फिर उसके चाचा को बुलाया जाता है। तब वो दोनों कहानी बताते हैं कि हाँ, करीब 6 और 9 महीने पहले इसने पहला कत्ल अपने चाचा के बेटे का किया था, ठीक इसी तरह से, और इसी तरह पत्थर मारा। इन्हें पता चल गया था, लेकिन ये घर का मामला था, इसलिए ये सब किसी को बताया नहीं था। उसने अपनी ही सगी बहन को मार डाला जो 6 महीने की थी, वो भी ये जानते थे, लेकिन पारिवारिक मामले को देखते हुए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब इसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी और कुछ नहीं था। भले ही अपराध को इस तरह से छिपाया गया था, लेकिन ये एक कानूनी अपराध भी था। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने इसकी हत्या होते नहीं देखा था, अन्यथा वे उन बच्चों को बचा लेते। उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये सब कैसे हुआ। तो पुलिस को भी लगा कि माता पिता को भी इसकी आधी जानकारी है, आधी नहीं लेकिन आधी जानकारी भी दी जानी चाहिए थी, इसलिए खुशबू की जान बचाई जा सकती थी। और ये भी हो सकता है, अगर खुशबू इस दूसरे परिवार से नहीं थी, अगर अमरदीप का परिवार होता तो शायद तीसरी हत्या को छिपाया जाता, ये भी एक अपराध था। इसलिए पुलिस अब उस बच्चे के हिसाब से ही पूछताछ कर रही थी। तुमने उन बच्चों को ऐसे खपड़ेल मारकर सुला दिया, तुमने ऐसा करने में क्या होता है, क्या मिलता है? उस मासूम लड़के ने कहा कि मुझे मजा आता है। जब वो डरते हैं, उन्हें दर्द होता है, घाव महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब उस बच्चे के शब्द थे। इन सब बातों को सुनने के बाद पुलिस को भी लगा कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। इसके बाद अलग से विशेषज्ञ से जांच कराई गई। बताया गया कि उसके दिमाग में कुछ समस्या है। मेडिकल टर्म्स में बात करें, यानी जो उसकी रिपोर्ट में आया था कि इस बच्चे को किसी को दर्द में देखना, तकलीफ में देखना, किसी जख्म में देखना, ये सब उसे मजा देता था। कई जगहों पर इस क्षेत्र के तमाम विशेषज्ञों ने इसकी जांच की। इसके अलावा दिल्ली और पटना के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी इसकी जांच की, और तब पता चला कि इस बच्चे के अंदर थोड़ी मानसिक बीमारी है, यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक बीमारी थी जिसमें उसे अपने से छोटे बच्चों को अपने सामने रोते हुए देखना, या किसी दर्द या बेचैनी में उनके शरीर से खून निकलते हुए देखना, उसे बहुत संतुष्टि मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था, और वो बहुत खुश महसूस करता था। और उसकी ऐसी भावना से एक बात जो सामने आई वो ये कि जब वो अकेला होता था तो हमेशा गुमनाम और चुप रहता था। वो किसी से भी कम बात करता था और दुखी रहता था।
लेकिन जब उसने तीन को मार डाला तो उसने बताया कि मुझे ये पसंद था। मैं उन्हें इस हाल में देखकर बहुत खुश था, तो शायद इसलिए वो ये सब काम करता था और इसलिए पूरे परिचय पूछताछ के दौरान पुलिस वालों ने कहा कि वो कम बोलता है और ज़्यादा हंसता है। शायद उसे ये चीज़ भी अच्छी लग रही थी कि उसको लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं, उसका ध्यान दे रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में पूछना जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उनकी सारी बातों को ध्यान में रखा गया। मेडिकल टीम की रिपोर्ट आई और कहा गया कि ये बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है और इसलिए उसने एक साथ तीन लोगों को मार डाला। अब कानून कहता है कि इस बच्चे की उम्र सिर्फ 7.5 साल है, ये एक बालिग बच्चा नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कट्टर अपराधियों के साथ नहीं रखा जाता है, ये मामला बिल्कुल उल्टा है। ये बच्चा 14-15 साल का भी नहीं है, यहाँ तक कि पूरे 8 साल का भी नहीं है, तो अब इसे 7.5 साल के बच्चे को कैसे रखा जाए, क्या करे? ये पुलिस के लिए भी एक अलग समस्या थी। तब पुलिस ने विशेष अदालत से इस पीड़ित बच्चे को सुधार गृह में रखने के लिए एक अलग कमरा देने का अनुरोध किया, क्योंकि अगर वे इसे बाकी बच्चों के साथ सुधार गृह में रखेंगे तो उनकी जान को भी खतरा होगा। कोर्ट के कहने पर इस पीड़िता के लिए अलग कमरे की व्यवस्था की गई, उसे वहाँ निगरानी में रखा गया, कहीं वो इस तरह की सभी चीज़ें फिर से न कर दे। दूसरा, इसके मेडिकल में एक और रिपोर्ट आई थी। इस बच्चे को पता ही नहीं था कि क्या गलत था और क्या सही, तो इसके लिए खून बहाना, कत्ल करना, इसमें वो कोई फर्क ही नहीं समझता था। उसे लगा जैसे वो एक सामान्य जीवन जीता है, हर कोई एक ही काम करता है, वैसे ही सब लोग भी ऐसा करते हैं। शायद कत्ल करने को उसने कभी अच्छा या बुरा के तलाजू में कभी तोला ही नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि कत्ल क्या होता है, कानून क्या होता है, सजा क्या होता है, कोर्ट क्या होती है। इसलिए कोर्ट के मुताबिक सभी फैसले लिए गए। उसे 3 साल से ज़्यादा रख नहीं सकते थे क्योंकि बच्चा नाबालिग है, तो 3 साल के बाद उसे आपको छोड़ना ही था। लेकिन इस मानसिक बीमारी को देखते हुए बहस छिड़ गई कि अगर 3 साल बाद इस मासूम बच्चे को छोड़ दिया जाए और इसके अंदर ये चलन बना रहे, अगर इसकी साइकोलॉजी उसी तरह की बनी रहे, तो उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा। और दूसरी बात ये कि वो अपनी खुशी के लिए हो सकता है और भी कत्ल करता रहे, खूनी वो वारदात को ऐसे ही अंजाम देता रहे, और जब ये 3 साल बाद सामने आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि ये एक सीरियल किलर है जिसने 3 बच्चों की हत्या की है, तो उसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वो और ज़्यादा खूंखार हो जाएगा। उस वक्त तक उस बच्चे का नाम मिनी किलर तो रख ही दिया गया था, इसके बारे में सब कुछ गोपनीय रखा गया, क्योंकि जब ये सामने आएगा तो समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा, जिस क्षेत्र में ये रहेगा उसके आसपास लोग डर जाएंगे, अगर लोग दहशत में हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें। इसलिए एक रिपोर्ट आई कि 2015 तक इसे सुधार कक्ष में रखा गया, केवल डॉक्टरों और लोगों की निगरानी में, यानी जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। ये केवल 3 साल था, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए अगर ये सामने आता है तो जिस समाज में वो रहेगा उस पर इसका क्या असर होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इसके इलाज को ध्यान में रखते हुए, डॉक्टर की देखरेख में इसे 18 साल तक एक खुफिया जगह से अलग रखा गया था। और 18 साल बाद कहा जाता है कि 2015 में इसे वहाँ से रिलीज किया गया था। उसके बाद
कोई नहीं जानता कि ये अब कहाँ है, एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ, क्योंकि उस दुर्घटना के समय वो 7.5 साल का अवोध बच्चा था, एक मासूम बच्चा। अब जब ये सामने आता है तो इसकी पूरी पहचान छिपा दी गई, ताकि जहाँ भी जाए लोग उससे डरे नहीं, उसे भेदभाव ना करें। उस नए नाम को एक नई पहचान के साथ कहा जाता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अब कितना बदल गया है और कहाँ है, कितना सही है, अब उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इस बारे में कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि कुछ चुनिंदा लोग जानते हो, लेकिन कोई अन्य जानकारी नहीं है। फिलहाल हमें हमारे समाज को इस कहानी से अब ये समझने की ज़रूरत है कि इन सब के पीछे असली गुनहगार कौन है। वो मासूम बच्चा जो बचपन में ही हैवान बन गया, या फिर उसके माता पिता जो सच जानते हुए भी सही वक्त पर उस बच्चे को सही तालीम नहीं दी, उसका इलाज नहीं कराया। उनकी इस लापरवाही की वजह से 3 मासूम जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे ही लापरवाही हर रोज हर वक्त आज भी हमारे समाज में हो रही है। इंसान अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए इतना उलझा हुआ है कि वो हर रोज ऐसी कई गलतियां नज़रअंदाज कर रहा है, जिसका अंजाम हम और हमारा समाज भुगत रहा है। कहा जाता है कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनके दिमाग बहुत ही सॉफ्ट और कोमल होता है, उन्हें जैसी मानसिकता में ढाल दिया जाए वो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। बच्चों के साथ बड़ी ही फ्रेंडली रूप से दोस्तों की तरह उनके पास रहकर, उनसे अच्छा व्यवहार कर उनके मन की बातें हमें समझनी होती है, उनके इर्द गिर्द चल रही उनकी मनोस्थिति और साइकोलॉजी को समझना होता है। अगर हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय निकाल कर बच्चों के साथ व्यतीत करें, उनकी साइकोलॉजी, उनकी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करें, तो समाज में ऐसी भयानक एक सीरियल किलर बनने से उसे रोक सकते हैं। आज की कहानी यहीं तक। इसके अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और मासूम दरिंदे की कहानी लेकर मैं जरूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। स्टोरी विथ अरुण की विशेष पेशकश प्राइम टाइम नॉवेल यानी कि रात्रिकालीन प्रस्तुति में आप लोग सुन रहे थे साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री कहानी। आज की कहानी यहीं तक, कल होगी फिर से मुलाकात। तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कहानी और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। आदरणीय श्रोता, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये स्टोरी विथ अरुण की एक विशेष पहल है जिसमें हमारे समाज को, हम सबको जागरूक हो सके, आप सभी को जागरूक करने के और समाज को और भी जागरूक होने के लिए एक छोटी सी पहल है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये पहल आप लोगों को कैसी लगी। आज के लिए दीजिए विदा, कल फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।